पर संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। बीजेपी के पात्रा ने ट्वीट किया और लिखा कि मनीष सिसोदिया के लिए पैसे ऐंठते हुए पकड़े गए उनके ओएसडी। अभी 2 लाख की किस्त ली थी, पूरा 10 लाख लेना था। मित्रों ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब चोर हैं जी, बस एक्टिंग आम आदमी की कर रहे हैं। आज समझ में आया लोकपाल क्यों नहीं बन रहा है। वही बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने भी ये ट्वीट किया और लिखा कि डिप्टी सीएम के दफ्तर में तैनात ओएसडी बिना अपने राजनीतिक आका की जानकारी के रिश्वत नहीं ले सकता। पहले भी केजरीवाल और सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए आंदोलन से जन्मी पार्टी, भ्रष्टाचार पर खत्म होगी विडंबना। मनीष सिसोदिया जी के ओएसडी सीबीआई ने पकड़े हैं रिश्वत लेने के आरोप में, तो इसका जवाब तो मनीष सिसोदिया जी को और आप पार्टी को देना चाहिए। हमारा मत यह है कि जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के ओएसडी की गिरफ्तारी, उसकी टाइमिंग निश्चित रूप से राजनीतिक कहीं ना कहीं कारण से हुई है, ऐसा दिख रहा है। कल चुनाव है, कल प्रचार बंद हुआ, और जिस तरह से गिरफ्तारी चुनाव के 2 दिन पहले होती है, लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास बीजेपी करती रही, उसी दिशा में एक कदम है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये राजनीतिक भावना से कार्रवाई की गई। अब ये जो मामला सामने आया है उसे सीधा सीधा ये पहुंच दिखाई देता है कि ये भ्रष्टाचार का मामला जो है वो आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं तक पहुंच चुका है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, ये माना जाता है कि मनीष सिसोदिया ही दिल्ली सरकार चलाते थे और आम आदमी पार्टी भी दिल्ली सिसोदिया ही चलाते हैं। तो अगर इतने बड़े आदमी के ओएसडी को भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई अरेस्ट करती है तो ये मामला बहुत ही संगीन है, गंभीर है, और उसके जड़े कहां तक पहुंचती है वो देखना होगा। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ साथ दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख विक्रांत का करना चाहूंगी। विक्रांत, ऐसे मौसम में जब दिल्ली चुनाव एकदम नजदीक है, अब ये ओएसडी की गिरफ्तारी, जिसको कई राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि ये दरअसल राजनीतिक बदले की भावना से किया गया, यानी अब इस माहौल में ये एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। देखिए बिल्कुल, चुनाव के दौरान, चुनाव के ठीक वोटिंग से 2 दिन पहले गिरफ्तारी होती है तो राजनीतिक सवाल, आरोप प्रत्यारोप जरूर उठेंगे, लेकिन एक सकारात्मक चीज़ जो देखने को मिली है कि टाइमिंग को लेकर के अक्सर लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया का सामने आकर ये कहना कि कोई टाइमिंग को लेकर के सवाल नहीं कर सकता क्योंकि भ्रष्टाचार पर हर समय कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये एक ठीक बात है। और सीबीआई को इस मामले की जाँच पूरी तरीके से बताना चाहिए, क्योंकि अभी तक सीबीआई ने किसी तरीके के जो राजनीतिक आरोप आरोप भले ही बीजेपी के नेता लगा रहे हों और आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक ये कह रहे हों कि मनीष सिसोदिया से कोई लेना देना नहीं है, सीबीआई ने भी अभी तक हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं की है कि उनका मनीष सिसोदिया से क्या लिंक था, क्योंकि वो मनीष सिसोदिया के दफ्तर में ओएसडी रहे हैं तो निश्चित तौर पर सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन उन्होंने सामने आकर खुद ये कहा है कि सख्त से सख्त सजा हो। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भले ही चलेंगे, लेकिन यह एक आपराधिक मामला है और आपराधिक मामले की जाँच जिस तरीके से जाँच एजेंसी करती है वैसे इस मामले में भी कर रही है। दीपक, आज पूछताछ होनी है, कब तक ये पूछताछ हो सकती है और क्या कुछ सामने आ सकता है, उसके बाद ही ये माना जाए कि काफी हद तक तस्वीर साफ हो पाएगी। देखिए, पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ में ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में किस तरीके से मनीष सिसोदिया से क्या कोई बातचीत होती थी, क्या उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन था या किस तरीके से उनसे चीज़ें जुड़ी हुई थी। हालांकि मनीष सिसोदिया ने खुद साफ कर दिया है कि इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके के आरोप लगाना बेहद गलत है, क्योंकि 10 से 12 ओएसडी एक मिनिस्टर के साथ होते ही हैं और डायरेक्ट इंटरेक्शन किसी से होता भी नहीं, और ये बात 2015 की है जब वो उनके साथ ओएसडी रहे हैं। ऐसे में इस बीच उनसे कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन का था नहीं, वो जीएसटी में थे और उन पर अगर कार्रवाई हुई है तो वो खुद चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मनीष सिसोदिया साफ कर चुके हैं कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार में काम करते हैं, वो किसी भी प्रकार से इस तरह की चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव से एक दिन पहले हमला करने का मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी पर, लगातार तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, वो यही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जाए कि जिस तरीके से उनका एक अधिकारी रिश्वत ले रहा है उसमें मंत्रियों को क्यों नहीं पता है, उस मंत्री को क्यों नहीं पता जिस
मंत्री के ओएसडीओ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी बचाव की स्थिति में भी है और कहीं ना कहीं सवाल भी कोशिश कर रही है कि एक दिन पहले ही आपको इस तरीके से आरोप क्यों लगाने हैं। आप सीबीआई, ईडी की भी बात आती है, एक दिन पहले पीएफआई के बारे में जानकारी निकल के सामने आती है, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है दोनों ही पार्टियों के बीच में चुनाव से एक दिन पहले। और विक्रांत, दोनों ही पार्टियों की तरफ से दलीलें, देखिए मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि हम खुद भी कई बार मदद कर चुके हैं कि अगर ऐसा कोई भी शख्स है उनकी टीम में तो उसे जल्द से जल्द वो पकड़वा दें, और ऐसे में बीजेपी जो है वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि सीधे सीधे तौर पर सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को इस पूरे मुद्दे पर घेरती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कार्रवाई हो और सख्त से सख्त हो। देखिए, केवल अभी इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की तरह देखा जाना चाहिए और चुनाव के मौसम में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और इस तरीके की बात भी बीजेपी की तरफ से निश्चित तौर पर कही जाएगी, जिसमें मनीष सिसोदिया को सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक जांच एजेंसी सीबीआई, जिसने इस अधिकारी को गिरफ्तार किया रिश्वत लेने के आरोप में, उसने किसी तरीके की कोई जानकारी, कोई साजिश या मनीष सिसोदिया से किसी तरह के लिंक की बात अभी तक एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर या किसी तरीके से ये बात सामने नहीं की है। तो जांच एजेंसी की बात सामने आने तक उसका इंतजार किया जाना चाहिए और वैसे भी इस अधिकारी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है और उस समय जो उसकी रिमांड एप्लीकेशन होगी उससे काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जांच एजेंसी ने किसी तरह की कोई जानकारी, किसी तरह के राजनीतिक लिंक की नहीं दी है, तो केवल एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए और चुनाव के मौसम में निश्चित तौर पर इस तरीके के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप दोनों नजर बनाए रखिए, उधर नागरिक